हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो कहानी 1904 में न्यूयॉर्क शहर में शुरू होती है, जहां एडवेंचर्स का एक ग्रुप बर्फ़ के भरे हुए होटल के कमरे में दाखिल होता है। वो एक ऑर्ब दरियाफ्त करते हैं जो उनके सामने पूरे इसरार मंजर की रिकॉर्डिंग को चलाता है। मौजूदा दौर की तरफ तेज़ी से आगे बढ़े तो जहां स्पेंगर ख़ानदान जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आइस ड्रैगन का पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। ताहम मेयर अब वॉल्टर पैक के साथ एक साधुम के नतीजे में फोबी को शहर को नुकसान पहुंचाने के अल्जामात की वजह से आर्जी तौर पर गोस बस्टर टीम से अलग कर देता है। तसल्ली की तलाश में फोबी मेलोडी नामी एक नौजवान भूत से दोस्ती करती है जो अपने माजी में शरीक है और उसको बताता है। ट्रेवर का सामना स्लेमर से उनके अटारी में होता है और रे और पॉडकास्ट जांच के लिए भूत ज़दा एशिया जमा करते हैं, जिनमें नदीम नामी शख्स के ज़रिए फरोख्त किया गया एक और भी शामिल है। उनसे नावाकिफ मिदार में एक इंतकामी वजूद सींग वाला बादशाह है जो इंसानियत के खिलाफ बदला लेना चाहता है। इसकी सरगर्मी कैदी भूतों को छोड़ती है और शहर में अफरा तफरी को जन्म देती है। विंस्टन और देगर तफ्तीशकारों की मदद से गोस बस्लर ओब की हकीकी नवियत को बेनकाब करते हैं। फोबी रे और पॉडकास्ट लाइब्रेरी में नदीम का सामना करते हैं, जहां उन्हें ओब से इसके ताल्लुक और सींग वाले बादशाह के इरादों के बारे में पता चलता है। एक तसादम शुरू होता है जिसके नतीजे में फोबी की गिरफ्तारी और इसके बाद रिहाई। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, फोबी सींग वाले बादशाह का मुकाबला करने के लिए एक ख़तरनाक मंसूबा बनाती है, जिसके नतीजे में एक जरब होती है जिसकी वजह से वो मुंजमद हो जाती है और शहर बर्फ़ से ढक जाता है। ताहम मेलोडी और नदीम बदकारी हस्ती को शिकस्त देने के लिए आग की ताकत को ब्राय कार लाते हुए बचाव के लिए आते हैं और वो उसको मार देते हैं। शहर के बच जाने और भूतों के आज़ाद होने के साथ गोस बसलर मैयर की इब्तदा शकोको शुबात के बावजूद अवामी पेजराई हासिल करते हैं। टीम नई मुहिम जोई पर निकलती है जिसमें ट्रेवर क्यादत करता है और ख़ानदान शहर को महफूज और ख़तरात से बचाने के अपने मिशन में मुतहिद हो जाते हैं।